अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आइए आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त देख सकते हैं आप लोग, मैं बॉम्बे में स्ट्रीट फूड जैसा कच्चे कीमे के कबाब एकदम झटपट रेसिपी दे रही हूँ। साथ में मैंने पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं उसकी भी रेसिपी दी हूँ। बहुत ही माउथ वाटरिंग कबाब बने हैं और मैंने कबाब पाव आपको देखे बना के भी पूरा बताई हूँ। आप देख सकते हैं ये कबाब, देखें आप लोग कितना जूसी अंदर से, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कबाब पाव बन के रेडी है। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। और आप लोगों से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नवे हो तो पहले बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सब में पहले दिखेगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट और अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में बना लेते हैं हम कच्चे कीमे के कबाब। और आप सबको नया साल मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबके घर में खुशियाँ लाए, आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आइए देखें, मैं आज आपको बहुत ही झटपट से कच्चे कीमे के कबाब हम बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे चिकन का कीमा मैंने ली हूँ। इसको धो के मैंने पानी पूरा इसका ड्राई कर ली हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ली हूँ, दो हरी मिर्ची ली हूँ, ये थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये तंदूरी मसाला है, ये वाइट पेपर है, और ये यहाँ पे धनिया, अक्खी धनिया, ज़ीरा सौंफ में भून के और उसको दरदरा घर में पीस के रखती हूँ, ये चिली फ्लेक्स है, ये टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट है। ये सबको मैं चॉपर में डाल लूँगी इसके साथ में और चॉप करके लेके आती हूँ, फिर आगे का आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही झटपट और बहुत ही लजीज कबाब बन के ये तैयार होते हैं। इसके अंदर मैं एक चम्मच बटर भी डालूँगी या घी, ऑयल कुछ भी डालें, क्योंकि चिकन के कीमे में चिकनाहट नहीं होती है तो मॉइस्चर रहने के लिए हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने चॉपर ले ली हूँ, चॉपर के अंदर मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, हरी मिर्ची और जो आपको बताई प्याज और कीमा, सबको मैं एक साथ में ये मसालों के साथ में चॉप कर लेती हूँ, ठीक है, कीमा प्याज के साथ में। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, और चॉपर में ही करिएगा, मिक्सी में नहीं करिएगा। अगर चॉपर नहीं है आपके वहाँ तो आप मिक्सी के अंदर बस बंद चालू करके ऐसा एक टाइम पे फिरा दीजिएगा। अब यहाँ पे देखें मैं एक चम्मच इसके अंदर बेसन डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी मॉइस्चर के लिए, बस एक स्पून भर के, और इसको हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं कोई इसके अंदर अंडा नहीं डालूँगी, कुछ नहीं डालूँगी। आप एक बार इस तरीके से कच्चे कीमे के कबाब मेरी तरीके से बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, झटपट कोई आ रहा है तुरंत ही आप बनाएं इसको, और या तो शाम के स्नैक में बनाएं, सुबह नाश्ते में बनाएं आप। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी कबाब का आपको बता दी मिक्सर, ये रेडी हो गया है कच्चे कीमे के कबाब का। अब यहाँ पे हम एक ग्रीन चटनी भी पीसेंगे इसके साथ में, तो उसके लिए यहाँ पे मैं हाफ लेमन ली हूँ, तीन हरी मिर्ची है, कोथमीर है, पुदीना है और लहसुन है, ठीक है। देखिए ये मिक्सी में डाल के हम लोग एक चटनी पीस लेंगे, इसके अंदर मैं हाफ लेमन डाल दूँगी, लेमन से आपकी चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा और चटनी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी, तो मैं थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, ब्लैक सॉल्ट, और इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, और ये मैं ग्रीन चटनी पीस लेती हूँ। ये देखिए मैं इसको कीमे को एक स्मोकी फ्लेवर दूँगी, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दो लौंग ली हूँ, दो लौंग को मैंने ऐसा बीच में रख दी हूँ, और अभी इसके ऊपर मैं कोयला रखूँगी लौंग के ऊपर, ठीक है, ये लौंग के ऊपर ही कोयला रखना है आपको। और इसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आपको थोड़ा सा एक से दो ड्रॉप खाली डालना है बस, और इसको अभी हम ढक देंगे 5 मिनट तक का। यहाँ पे देखिए जो मैंने कोयले के धुएं के लिए रखी थी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसके अंदर धुआं हो गया है। अब ये मैं कोयला और जो लौंग डाली थी ये दोनों को निकाल लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चटनी भी माशाल्लाह कितनी अच्छी हो गई है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त चटनी भी रेडी है। और पैन रख दी हूँ, आइए अब हमारी झटपट से मिक्स करके कबाब की तैयारी कर लेते हैं। आप देखें बिल्कुल भी मैंने इसके अंदर कोई अंडा वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। बहुत से लोगों का ये रहता है ना कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और एकदम जूसी रहेंगे, ना ब्रेड वगैरह बिल्कुल भी ना डालें कच्चे कीमे के कबाब में, क्योंकि ब्रेड डालने से वो कीमे का कबाब का मज़ा चला जाता है, ठीक है। ये देखें
इस तरीके से मज़े मज़े के आप कबाब सारे बना बना के रखें। ये देखें, बिल्कुल भी आपके कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। जब आप एक बार मेरी तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, बनाइएगा ज़रूर आप लोग। बन के रेडी हो गए हमारे यहाँ पे झटपट से कबाब, तो आइए से फ्राई कर लेते हैं अभी हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन को रख दी हूँ मैंने और अब यहाँ पे जो मैंने आपको कबाब बताई तो ये सारे कबाब अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, एक टाइम ज़रूर बनाएं मेरी तरीके से ये कबाब की रेसिपी, बहुत ही मज़े के लगेंगे। बहुत से लोग इसके अंदर ब्रेड अंडा वगैरह सब डालते हैं पर मुझे कच्चे कीवे में वो सब मज़ा नहीं आता है। फिर क्या होता है, ब्रेड का और इसका ही टेस्ट आता है और हमें जो नेचुरल कबाब का टेस्ट है वो नहीं मिलता। तो एक टाइम आप कितने इजी तरीके से, आप देखिएगा एक भी कबाब टूटेगा नहीं मेरा। माशाल्लाह, अब बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी भी होंगे। बस इसी तरीके से डाल दी हमने, एक साइड जैसी हो जाएंगे चिकन के कबाब बनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। ये देखिए 5 मिनट हो गया है माशाल्लाह, बिल्कुल भी, ये देखिए मैं बिना चमची के कबाब हमारे फ्राई पैन में एकदम अलग हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त से कलर भी देखिए कितना मस्त आ गया है गोल्डन कलर। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है सारे कबाब। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है। अभी जो मेरे पास में है ये भी मैं डाल दूँगी, दूसरे भी ट्राई ज़रूर करिएगा आप लोग एक टाइम। इसके साथ में जो चटनी का कॉम्बिनेशन है बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये एक साइड हो जाएंगे फिर हम निकाल लेंगे। आप हो गए हमारे बहुत ही झटपट से, इसे निकाल लेते हैं हम। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी मेरे कबाब टूटे नहीं हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हो गए, जूसी और एकदम ज़बरदस्त से बन के, बहुत ही जूसी कबाब है ये। ज़रूर आप एक टाइम ट्राई करिएगा। और ये देखें जो आपके सामने मैंने डाली, ये भी अभी बहुत ही झटपट से हो गए हैं, इसको भी पलटा लेंगे हम। और इसके अंदर जो मेरे पास बचे हुए हैं ये भी मैं डाल दूँगी। तो आइए अब आपको प्लेटिंग करके, ये देखें फ्रेंड गैस बंद कर दी मैंने और ये हमारे सारे कबाब बन के रेडी है झटपट से। कितने मज़े के बने हैं आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी ज़बरदस्त। अब ये सारे मैंने निकाल लिए, अब आइए आपको मैं इसकी प्लेटिंग करना दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये रेडी हुए हैं। देखिए फ्रेंड, आज की मेरी झटपट से चिकन कबाब की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। कच्चे केमे के कबाब आप देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त चटनी बनी है और कबाब भी देखें। और हम लोग यहाँ बॉम्बे में किस तरीके से खाते हैं मैं वो अभी आपको बना के बताती हूँ। यहाँ पे देखें पाव लेके मैंने पाव को बीच में से कट लगा ली हूँ इस तरीके से। इसके अंदर यहाँ पे हमारे वहाँ बॉम्बे में चटनी इस तरीके से डालते हैं, ये देखें माशाल्लाह। और फिर आप इसके अंदर अनियन लगा लें इस तरीके से और यहाँ पे आप कबाब इस तरीके से रखें और ये देखें, और इस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ये देखें इस तरीके से एक दो जितने आपको रखना है आप इस तरीके से कबाब रख के, ये देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ में मिलूंगी। अपने सिस्टर को दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर करें। इंशाल्लाह फिर एक ऐसी रेसिपी के साथ में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। और आप सबको नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आए। अल्लाह पाक, आमीन। अल्लाह हाफिज़।